अभी बहुत जल्द होने वाले हैं और ऐसे में फिर से मोल्ड करना ये एक बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है अखिलेश यादव के लिए। तो शासन वास्तव खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ गया है एसपी बीएसपी का गठबंधन, तो हो सकता है कि उपचुनाव में जो 11 सीटों पर उपचुनाव होने हैं खामियाजा भुगतना पड़ सके। वहीं बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां दिखनी अब शुरू हो गई हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म में सीएम नीतीश कुमार ने अब सुशील मोदी को इग्नोर भी करना शुरू कर दिया है और इस सब के बीच 9 जून को पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर चर्चा होने की उम्मीद है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच अब साफ दूरी दिखाई देने लगी है और सोमवार को जेडीयू की इफ्तार पार्टी में बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंचा, कोई शामिल नहीं हुआ। उधर बीजेपी की इफ्तार पार्टी में जेडीयू के नेता भी शामिल नहीं हुए, नहीं पहुंचे। बता दें कि इफ्तार पार्टी से कुछ ही घंटे पहले नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था और इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी शामिल हुए थे, लेकिन कुछ ही घंटे बाद हुई इफ्तार पार्टी में दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे से दूरी बनाई, नहीं पहुंचे एक दूसरे की इफ्तार पार्टी में। इसके अलावा रामविलास पासवान की इफ्तार में बता दें नीतीश ने सुशील मोदी की खूब अनदेखी की, उनसे हाथ भी नहीं मिलाया और कोई बातचीत नहीं की। वहीं कुछ देर बाद ही जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने मांझी से खूब गर्मजोशी से मिले और गले भी मिले, लेकिन अब जो है तस्वीरें दिखाई दे रही है जिस तरह की एक दूसरे की इफ्तार पार्टी तक में शामिल नहीं हुए, दूरियां बढ़ती जा रही है ये सामने आ रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर बीजेपी से अब जेडीयू दूरी बनाने लगी है, इफ्तार पार्टी में एक दूसरे से दूरी बनाते हुए नजर आए। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी जेडीयू पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि राजनीति में हमने कभी सांकेतिक हिस्सेदारी का कोई बात नहीं की है। कि देश की राजनीति और बिहार में जो कुछ हो रहा है, सांकेतिक हिस्सेदारी नाम का एक शब्द उसकी एक नई परिभाषा हमें मिली। हम तो हमेशा मानते थे हिस्सेदारी या तो होती है या नहीं होती है, ये सांकेतिक हिस्सेदारी कम से कम अब तक के राजनीतिक ज्ञान में मैंने नहीं देखा। अब आपने सांकेतिक हिस्सेदारी की बात की तो नीतीश जी ने बिहार जाकर संकेत दे दिया, तो ये राजनीति भारतीय लोकतंत्र का एक संक्रमण काल भी है। कई सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की थी। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह और बता दें कि वीरेंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं को इस पद की दौड़ में शामिल माना जा रहा है। संभावित उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयल ओराम और बता दें एसएस आलूवालिया के नाम भी शामिल हैं। और सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी कि 8 बार की सांसद मेनका गांधी बीजेपी की सबसे अनुभवी लोकसभा सदस्य हैं और वो अध्यक्ष पद के लिए स्वाभाविक विकल्प हैं। 7वीं लोकसभा में सबसे अनुभवी सांसद होने के उनके कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जा सकता है, सबसे आगे वो रेस में है और उन्हें चुना जा सकता है। राधा मोहन सिंह भी 6 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और उन्हें भी अध्यक्ष पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सिंह की संगठन पर गहरी पकड़ है और उनकी छवि विनम्र और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता में से है। और सूत्रों की माने तो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद बीजू जनता दल को इस बार दिया जा सकता है और कटक से सांसद उर्धरी मेहताब का नाम भी इस पद में सबसे आगे आ रहा है, उन पर भी विचार किया जा रहा है, उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है। तो मेनका गांधी का जो है उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे नाम सामने आया है, वहीं बीजेडी के मूर्धरी मेहताब का नाम भी सबसे आगे सामने आया है। लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए मंथन चल रहा है, लगातार मंथन जारी है, ऐसे में मेनका गांधी का नाम सबसे आगे सामने आया है। बता दें लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर